ऊपर से वहां पे फैन भी नहीं लगे, और मेरे को पता नहीं कैसी टेबल पे बिठा दिया उन्होंने, मतलब साइड की एंड की लास्ट वाली टेबल पे मेरा रोल नंबर पड़ गया। ओ भाई काम कुछ ज्यादा हो गया, जल्दी रेडी होने पड़ेगा अब तो। चलो उठो। गाइस वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो अभी का सीन ऐसा कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जागा मैं, और मेरे को थोड़ा लेट हो गया, मेरे को जाना एग्जाम देने। बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो आज मेरा तीसरा एग्जाम है तो आई वो देने जाना है, और दो तीन दिन का गैप था तो मैंने इसमें रिवाइज भी कर लिया है, तो अभी 3 दिन के गैप में मेरे को जाना है आज एग्जाम देने। अभी यार मेरे को नानी के यहाँ पे जाना है, बिकॉज सेंटर जो है ना नानी के यहाँ से पास में पड़ता है, तो पहले मैं यहाँ से नानी के यहाँ पे जाता हूँ, वहाँ से अपना बैग वगैरह लेके वहाँ से आता हूँ डायरेक्ट कॉलेज के लिए एग्जाम देने। बस रेडी होते हैं फिर चलते हैं नानी के यहाँ पे। बुक वगैरह इधर ही चालू छोड़ दी रात को मैंने, ये लाइट भी चालू छोड़ दी, बुक ऐसी पड़ी है चश्मा सब ऐसे ही डाला है। थोड़ी देर में नानी के यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, गांधी कॉलोनी तो आ गया, बस नानी के यहाँ पे थोड़ी देर और रह गया, फिर पहुंच जाएंगे भाई नानी के यहाँ पे। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. घर पे तो आ गया, बट यार एग्जाम देके हालत खराब हो गई। एक तो इतनी गर्मी ज्यादा वहाँ पे, ऊपर से वहाँ पे फैन भी नहीं लगे, और मेरे को पता नहीं कैसी टेबल पे बिठा दिया उन्होंने, मतलब साइड की एंड की लास्ट वाली टेबल पे मेरा रोल नंबर पड़ गया, वहाँ पे और किसी का रोल नंबर नहीं है, बस मेरा ही रोल नंबर है। पता नहीं लोगों को मेरे से क्या दुश्मनी, कॉलेज वालों को एकदम पीछे बिठा दिया है, गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई, और वहाँ से यहाँ तक नानी के यहाँ पे चल गया, टोटली हालत ख़राब, पसीने से पूरे शर्ट गीली हो गई, अब मुश्किल से सूखी है। बारिश का तो भाई साहब मुरैना में बिल्कुल भी नाम नहीं है, नाम मात्र की बारिश नहीं हो रही यहाँ पर, बादल होंगे काले बादल होंगे बट बारिश नहीं होगी। और पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप नहा के आओ ना और बाहर निकल जाओ तो 2 मिनट में आप सूख जाओगे, आपका पानी पूरा सूख जाएगा बॉडी का, इतनी गर्मी हो रही है। तो बादल होके रह जाते हैं बट पड़ते कभी नहीं यार पानी। फाइनली गाइस घर पे आ गए एग्जाम देके, बहुत सही एक्सपीरियंस रहा यार, बट गर्मी की वजह से हालत खराब हो गई। एग्जाम तो मैंने पूरा कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, बट यार गर्मी ने ऐसे ऐसी कर दी बिल्कुल आज पूरे दिन की। एक तो इतनी गर्मी थी, एक तो पीछे से बिठा दिया, फैन भी नहीं था, लड़कियों की साइड फैन रखा था, पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है, हर बार मेरे साथ ही पोपट होता है, पता नहीं उस एग्जाम कॉलेज वालों को क्या प्रॉब्लम थी। ये भगवान क्या जुलुम है। एग्जाम देखिए फिर हम नानी के यहाँ पे आ गया था, खाना वगैरह खा के अब मैं आ गया अपने घर पे, रेस्ट करूंगा मैं थोड़ा आराम से, मैं सो जाऊंगा और फिर शाम को ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे मस्त आराम से। चलो बस सोते हैं, बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस चाय पी लो, इतनी गर्मी में गरम गरम चाय, देखो स्कूटी में पिएंगे तो जुकाम हो जाए, इसलिए मैं पीता हूँ चाय। चाय का स्वाद लेने कौन आ गया, देखो ये, देखो ये घूम रहा है, अभी जाए यहाँ से भाई। हो गया गया मुरैना को, पानी बिल्कुल नहीं पड़ रहा पानी यार, ना काले बादल सुबह हुए थे फिर गायब हो गए सारे, कड़क धूप निकल आई भाई। चाय भी ठंडी हो गई इतनी देर में, एक ब्लॉग थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं मेरे, बिकॉज एग्जाम है यार, इसकी वजह से एक ब्लॉग ऊपर नीचे थोड़ा हो जाते हैं, वरना तो मैं वीकली एक ब्लॉग डालता ही रहता हूँ, बट अभी थोड़ा लेट हो गया था, 10-12 दिन हो गए एक ब्लॉग नहीं डाला था मैंने, तो मैंने काफ़ी टाइम बाद शूट कर लिया मेरे गैप में, आज एग्जाम हो गया, अब 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है, 28 को ख़त्म हो गया, फिर कंटिन्यूस ब्लॉग डालते जाएंगे हर हफ्ते। खाते हैं भाई एप्पल, देखने में तो फ्रेश लग रहा भाई, चलो इसको काटते हैं, लेते हैं चॉपिंग ट्रे, इसको रखते हैं यहाँ, इसको रखते हैं यहाँ पर। कल से मेरे पीछे चाकू लेके पड़ी हुई है। रेस्ट इन पीस, कट गया भाई। ओके मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए दोस्तों, बीच में से काटते हैं भाई। वंस मोर
कट हो गया भाई, दोनों कट हो गए भाई। लोग अभी नहीं आ पाएंगे बिकॉज अभी मैंने फिलहाल ये एक ब्लॉग बना दिया था, टाइम मिल गया था मेरे तो मैंने बना दिया। अब डायरेक्ट मैं बनाऊंगा 28 तारीख के बाद, 28 सितंबर के बाद। तो बिकॉज मेरे तब तक एग्जाम चलेंगे, तब तक मैं ना छोटे कभी कभार बीच में मिनी ब्लॉग डाल दिया करूँ, तो उससे आप इन्जॉयमेंट कर लेना तब तक। फिर ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे 28 के बाद कंसिस्टेंटली, हर हफ्ते एक ब्लॉग मिलता रहेगा आपको। ओके, थोड़ी देर पहले मैं एक मर्डर करके आ रहा हूँ, बहुत सीरियस मर्डर किया था मैंने एप्पल का। हाँ तो मैं इस ब्लॉग को फिलहाल मैं एंड करता हूँ बिकॉज मेरे को स्टडी करनी है, परसों का मेरा एग्जाम है तो कल का टाइम भी है। आज मतलब स्टडी कर लूँगा थोड़ी, फिर बाकी कल कर लूँगा। तो अभी इस ब्लॉग को फिलहाल मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।